आपका क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या दिया है देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और सेकंड में क्या दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3, 12, 27, 57, 75, 80। क्वेश्चन आपको पूछा है द मॉडल क्लास इज, तो आपको मॉडल क्लास बताना है। तो 10 to 20 है या 20 to 30 है या 30 to 40 है या 50 to 60 है, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, तो लेकिन यहां पर क्या दिया है बिलो 10। तो बिलो 10 का मतलब क्या है देखो, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10 और 20 का 10। तो दैट मीन्स यहां पर आपका हो जाएगा 0 to 10, ये हो जाएगा आपका 10 to 20, ये हो जाएगा 20 से 30 तक, ये हो जाएगा 30 से 40 तक, ये हो जाएगा 40 से 50 तक, ये हो जाएगा आपका 50 से 60 तक। तो देखो क्लास इंटरवल बन गया। अब इसको देखो ध्यान से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कैसे दिया इसने, यहां पर दिया 3, 12, 27, 57, 75, 80। दैट मीन्स इसने इसको दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि मॉडल क्लास क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है देखो, 3 का तो 3 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 12 लिखा है, 12 माइनस 3 इज 9। नेक्स्ट 27 माइनस 12 इज 15। नेक्स्ट 57 माइनस 27 इज 30। नेक्स्ट 75 माइनस 57 कितना होता है हमारा 80, है ना, 57, 65, 75, यस। नेक्स्ट 70, और यहां पर देखो 80 माइनस 75 इज 5। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास में क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 30। तो 30 को राउंड ऑफ करो, तो देखो क्लास इंटरवल क्या है आपका 30 से 40। तो 30 से 40 यहां पर दिया हुआ है, तो इसको आपको टिक करना।